स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले में 2 अक्टूबर तक ODF घोषित किया जाना है, लेकिन जिला प्रशासन के प्रयास से जिले को 15 अगस्त तक ODF घोषित किया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह ने कहा कि जिले में लक्ष्य के अनुरूप 85% शौचालय का निर्माण किया जा चुका है, शेष गाँवों को निर्धारित समय सीमा 2 अक्टूबर के पहले ही 15 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे जिले को ODF घोषित किया जा सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO अनु सिंह ने बताया। देखिए, ODF को का लक्ष्य पूरा करने के लिए 2 अक्टूबर तक का लक्ष्य हमें दिया गया है, लेकिन जहां तक हमारी अभी गति है और जो प्रगति है उसके अनुरूप हमें लग रहा है कि अगस्त के मध्य तक या अगस्त के अंत तक हम इसे पूरा कर लेंगे। सर, कितने गांव लगभग संतुलित हो चुके हैं? हमारे तकरीबन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 85% शौचालयों का निर्माण जो हमारा टारगेट है उसके अनुरूप हमने करवा लिया है, लेकिन गांव को ODF डिक्लेयर करने के पहले, घोषित करने के पहले हम एक बार उसका मोटा मोटा एक सत्यापन करा लेते हैं वहाँ कि वहाँ पे सभी शौचालयों का निर्माण पूरा हो गया हो। तो अभी तक हमारे तकरीबन 52% गांव राजस्व ग्राम ODF घोषित किए कर दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बेसलाइन सर्वे जो करवाया गया था उसके बाद कुछ परिवारों में वृद्धि हुई है, कुछ परिवार उस बेसलाइन सर्वे में छूट भी गए हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि हर एक परिवार में एक एक शौचालय है। थोड़ा सा गांव में इस प्रकार की एक सामाजिक समस्या है कि अगर परिवार विभाजित हो गया हो, भले ही वो इकट्ठे रह रहे हो, खाना एक साथ बन रहा हो, लेकिन अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई अलग अलग शौचालय की मांग करते हैं, हालांकि वो एक ही शौचालय में उसका प्रयोग कर सकते हैं और वो उनके लिए सहूलियत भी है, क्योंकि एक छोटी छोटी ज़मीनें हैं गाँव में, वहाँ पर 2-3 अगर हम शौचालय बना देंगे फिर उनके खुद के उपयोग के लिए ज़मीन काफ़ी कम रह जाती है। तो इस प्रकार से इसकी वजह से अधिकतर ये शिकायतें हैं, लेकिन हमने जो डेटा इकट्ठा किया है, हमारे हिसाब से जो हमारा जो लक्ष्य है बेसलाइन सर्वे का लक्ष्य है उसके अतिरिक्त लगभग 20,000 शौचालय और अगर हम बनवाएंगे तो फिर लगभग सभी के पास शौचालय का आच्छादन हो जाएगा। इस 20,000 को हम मनरेगा के तहत हम आच्छादित कर देंगे।